मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो देखो पिछली तासी तक हमने क्या देखा है, हम अनेक किंतु एक इस कविता का स्वाध्याय स्वाध्याय हमने किसमें किताब में सॉल्व किया है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया है ना। तो अब इस तासिका को हम क्या करने वाले हैं, इस तासिका को हम करने वाले हैं बीरबल की सूझबूझ। यह चित्रकथा है बीरबल की सूझबूझ। इस चित्रकथा का अभ्यास जो है, स्वाध्याय जो है, हम टेक्स्ट बुक में सॉल्व करने वाले हैं। आपको मुझे हम अनेक किंतु एक यह लेसन के क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में जो आपने कंप्लीट किया है उसके पिक्चर भेजने हैं, ध्यान में आया, और ये होमवर्क मुझे कंपलसरी भेजना है। तो इस तासिका को हम क्या करने वाले हैं, बीरबल की सूझबूझ यह चित्रकथा का अभ्यास हम टेक्स्ट बुक में सॉल्विंग करेंगे। देखो बच्चों ये कौन सी चित्रकथा है, बीरबल की सूझबूझ। इस चित्रकथा का हम क्या करने वाले हैं आज होमवर्क यानी कि अभ्यास जो है दिया है वह सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों यहाँ पे शब्दार्थ है क्या है, देखो शर्त किसी काम को करने का नियम, परीक्षा इम्तिहान योग्यता को परखना यानी कि क्या एग्जाम्स, एग्जाम्स होती है ना आपकी, अभी हमारी भी एग्जाम्स हैं तो आपको स्टडी अच्छी तरह से करना चाहिए ना। देखो आगे क्या है, परीक्षा का मतलब क्या है एग्जाम। मुंह लटकाना यानी कि निराश होना, बुद्धिमानी समझदारी, ऐलान घोषणा, बादशाह यानी कि राजा किंग, प्रसन्न खुश, माथापच्ची खूब दिमाग लगाना। देखो लिखित में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा लिखी है, सिर्फ किसने कहा है यह लिखना है। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, जो भी पहले क जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह किसने कहा था बताओ मुझे, यह बादशाह ने कहा था। आगे क्या है ख, लीजिए हुजूर आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई वो भी बिना मिटाए, यह किसने कहा था, किसने रेखा क्या की थी कि खींची थी और बादशाह ने जो खींची रेखा छोटी बनाई थी, लीजिए हुजूर आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई वो भी बिना मिटाए, यह काम किसने किया था, बीरबल ने, यानी कि कौन कह रहा है, बीरबल कह रहा है। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर दो है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, ये आपको नोटबुक में क्वेश्चन लिखने हैं, समझ में आया, यह आपको नोटबुक में क्वेश्चन इसके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इसके आगे टेक्स्ट बुक में क्या है देखते हैं। देखो भाषा की दुनिया यानी कि ग्रामर व्याकरण में क्या क्या है, नए शब्द संज्ञा शब्द और संयुक्त व्यंजन, नए शब्द संज्ञा शब्द और संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्दों को जोड़कर लिखिए, दिए गए शब्दों को जोड़कर लिखिए। देखो पहला वाला शब्द क्या है, राज प्लस दरबार, इन दोनों का मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है, वह क्या हो गया, राज दरबार, क्या हो गया, राज दरबार। इसके बाद क्या है देखो, माथा प्लस पच्ची इज इक्वल टू क्या हो गया, माथा पच्ची, यह एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार हो गया है। अब उसके आगे कौन सा शब्द है देखो, बुद्धि प्लस मानी इज इक्वल टू क्या, बुद्धि प्लस मानी, बुद्धि और मानी का मिलन करने के बाद कौन सा शब्द तैयार हो जाएगा, बुद्धिमानी, कौन सा शब्द तैयार हो गया देखो यहाँ पे, बुद्धिमानी। अब उसके बाद क्या है, महा प्लस राज, ये दो शब्दों का मिलान करने के बाद कौन सा शब्द तैयार हो जाता है यहाँ पे देखो, महाराज, कौन सा शब्द तैयार हो जाता है, महाराज। अब इसके बाद क्या है देखो, नंबर दो है यहाँ पे संज्ञा, नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं, ये डेफिनेशन हमने नोटबुक में लिखी है, यह देखो और एक बार पढ़ो, नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं, जैसे कि क्या, राहुल तितली पेड़, राहुल तितली पेड़। दिए गए वाक्यों में क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यों में
संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। संज्ञा मतलब क्या है? नाम वाले शब्द। संज्ञा मतलब क्या? नाम वाले शब्द। तो यहाँ पे वाक्य दिए हैं, उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, दिए गए वाक्यों में संज्ञा जो शब्द है यानी कि नाम जो है उन्हें क्या करना है, रेखांकित करना है, यानी कि अंडरलाइन। रेखांकित मतलब क्या है? अंडरलाइन। यहाँ पे लाइन खींची हुई है ना, वैसे अब देखते हैं प्रश्न क्या है। क, अकबर ने ऐलान किया। यहाँ पे नाम आया है ना अकबर, यह क्या है? नाम है। तो यहाँ पे अंडरलाइन खींचिए। देखो उसके बाद क्या है, सब राज दरबार में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? राज दरबार में बैठे थे। यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन सा है? राज दरबार। अब क्या है ग, ग वाक्य रीडिंग करते हैं। सबसे पहले मंत्री आगे आए। इस वाक्य को हम क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा क्वेश्चन है देखो, सबसे पहले कौन आगे आए? तो इसका आंसर क्या हो गया? मंत्री। यानी कि यहाँ पे नाम क्या हो गया? मंत्री। नाम मतलब नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। सबसे पहले कौन आगे आए? मंत्री आगे आए। मंत्री यह क्या है? संज्ञा शब्द है। बाद में देखो घ, हुजूर ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ? हुजूर ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ? यहाँ पे क्या है? हुजूर यह क्या है? संज्ञा शब्द है। यहाँ पे अंडरलाइन है। ग, देखो आगे क्या है, सब बिरबल की वाह वाही करने लगे। यहाँ पे नाम है क्या दिखाई दे रहा है आपको? नाम, सब बिरबल की वाह वाही करने लगे। तो यहाँ पे नाउन क्या है, नाम क्या है? बिरबल। समझ में आया? संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। आपके पास अब टेक्स्ट बुक है, यह आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में सॉल्विंग करना है ना। अब क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3, भाषा की दुनिया का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। यह संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखो यहाँ पे क प्लस श इज इक्वल टू क्ष, यह एक संयुक्त व्यंजन है। क और श का मिलन करने के बाद कौन सा व्यंजन एक संयुक्त तैयार होता है? क्ष। त प्लस र यानी कि त और र का मिलन करने के बाद त्र, यह क्या होता है? दूसरा संयुक्त व्यंजन तैयार होता है। त प्लस र इज इक्वल टू त्र। अब देखो ज प्लस अ, ज प्लस अ यानी कि इन दो व्यंजनों का मिलान करने के बाद कौन सा व्यंजन तैयार होता है? संयुक्त व्यंजन ज्ञ। कौन सा संयुक्त व्यंजन तैयार होता है? ज्ञ। उसके बाद देखो श और र, इन दोनों का मिलान करने के बाद श्र, यह संयुक्त व्यंजन तैयार होता है। श्र यानी कि देखो कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? 4 व्यंजन संयुक्त है, क्ष त्र ज्ञ और श्र। क्ष क और श के मिलान से होता है, त्र त और र के मिलान से बनता है, ज्ञ ज और अ से मिलान से बनता है, और श्र श और र के मिलान से बनता है। तो अब इस पे क्वेश्चन क्या है देखो, दिए गए संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से, देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है। दिए गए संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से दो दो शब्द बनाकर लिखिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष त्र ज्ञ और श्र। उन्होंने देखो इनके एक एक यहाँ पे शब्द बनाकर दिए हैं। क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रम, श्र श्रम। तो आपको भी ऐसे शब्द यहाँ पे बनाकर लिखने हैं। मैंने लिखे हैं देखो, क्ष से कक्षा और क्षितिज, त्र से त्रिशा और त्रिमूर्ति। त्र है ना यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्ष है। अब देखो ज्ञ से ज्ञानी ज्ञानेश्वर, और श्र से श्रद्धा श्रीपति। यहाँ आपको क्या करना है,
अलग शब्द यहाँ पे लिखने हैं, जो मैंने लिखे हैं वो सिर्फ ध्यान में रखो आप, और यहाँ पे आपको अपने मन से तैयार करके क्ष के, त्र के, ज्ञ के और श्र के दो दो शब्द लिखने हैं। समझ में आया आपको? तो देखो बच्चों, आज हमने क्या किया, क्या किया, बीरबल की सूझबूझ इस चित्रकथा का हमने टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय सॉल्विंग किया है, अभ्यास सॉल्व किया है। तो आपको भी उसी का आधार लेकर, आपके पास अब टेक्स्ट बुक दिए है, हमने टेक्स्ट बुक लिए है ना सब लोगों ने, तो टेक्स्ट बुक में कंपल्सरी राइट डाउन करना है, कंपल्सरी क्या करना है, लिखना है और उसके पिक्चर निकाल कर मुझे पिक्चर सेंड करने हैं, कंपल्सरी। समझ में आया? धन्यवाद।